हेलो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये बेबी बूट्स के सोल बनाने हमने सीख लिए थे, जो इस तरह से बने थे। अब इसके ये ऊपर का पोर्शन, ये अपर पोर्शन और ये लोअर पोर्शन, हील वाला पोर्शन, देखिए ये मैंने एक बना के रखा हुआ है। ये ऊपर का पोर्शन और ये नीचे का हील पोर्शन कैसे बनेगा, अब चलिए हम इसे बनाते हैं। लेकिन हमेशा इसको बनाने के पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि ये हील और वो अपर पोर्शन जब भी बनाएंगे ये बिल्कुल दोनों तरफ बराबर होंगे ऐसे, और इधर ये बिल्कुल बराबर होंगे, जस्ट हाफ हाफ। तो इसको ये डबल करने के लिए ये मैंने दूसरे कलर का, जैसा कि दूसरे वाले कलर में मैंने दिखाया था, ये ऐसे दूसरे वाइट मैंने लिया है और इनको ऐसे जोड़ देंगे तो ये थोड़ा सा थिकनेस आ जाएगी, जैसे जूते वाला इफेक्ट आएगा, और इसके चारों तरफ ये वाइट कलर से आउटलाइन हो जाएगी और ये जो फिनिश भी दिखाई देगी। अब हम ये कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं। ये हमने ये सोल बना के रखा हुआ है, ये इसकी एड़ी वाला बैक पोर्शन है, ये इसका फ्रंट पोर्शन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकालने के लिए जस्ट ये देखिए, जो हमारी ये सेंटर लाइन है ये आपको दिख रही होगी, ये सेंटर लाइन यहाँ से जस्ट ऐसे हाफ हाफ कर लेंगे। अब हाफ करने के बाद आप इसको चाहें तो मार्कर से या सलाई से इसको पॉइंट आउट करके ये इसका सेंटर में निकालना है। बस ये जो लाइन है जहाँ से हमने ये शुरू किया था, ये सेंटर लाइन, यहाँ से इसे हम पकड़ के ऐसे हाफ कर लेंगे, या इसे आप सलाई से ऐसे करके ये इसका मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट हमें निकालना है। अगर हम सपोज करें तो हमारा सेंटर पॉइंट ये वाला होगा, तो यहाँ हम ऐसे सलाई लगा लेंगे और यहाँ पे हम स्टिच मार्कर ऐसे कुछ भी निशान लगा लेंगे जिससे हमें पता चले ये ही हमारा सेंटर है। इसे दोबारा भी हम चेक कर लेंगे इस जगह से देख के कि यही हमारा सेंटर है या नहीं, और फिर जस्ट इसके हाफ ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से जस्ट हाफ, या ये जो जो भी आप देखें ये इसको हमें बनाना है। अब ये सेंटर हमारा निकल गया, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, मुझे कुछ टेढ़ा सा लग रहा है, ये मुझे लग रहा है ये वाले स्टिच होगी, ये वाले स्टिच होगी। सेंटर हो गया हमारा। अब हमें सेंटर से इस तरफ जो हमारी ये सेंटर वाला फंदा है इससे 12 स्टिचेज इधर लेनी है और दोनों बराबर होंगे, ये इस तरह से देख लेंगे कि दोनों ही बराबर होंगे। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे ये सेंटर वाली छोड़ के, वन देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11, 12, ये हमारी 12 स्टिच हो गई। यहाँ पे हम एक मार्कर लगा देंगे, मार्कर नहीं तो सलाई का ही निशान लगा देंगे, और इस तरफ इधर की 12 हो गई और इधर की ये एक, यहाँ पे बीच वाली देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये 12, इस जगह से सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए हमारे बिल्कुल बराबर होना चाहिए, इधर का और इधर का ये बिल्कुल बराबर हो, नहीं तो ये जो इसका ये है ये टेढ़ा आएगा, ये फ्रंट पोर्शन ऐसे टेढ़ा आएगा। तो इसको हम काउंट कर लेंगे और ये 12, ये 12, ये 24 और एक सेंटर वाली 25, कुल 25 स्टिचेस हमारे पास हो जाएंगे। अब इन 25 स्टिचों का हमें क्या करना है हम ये देखते हैं। यहाँ पर हमें इनका ये देखिए ये इस तरह से ये चीज़ बनानी है। इसको बनाने के लिए जहाँ पे हमने मार्कर लगाया था
यहाँ पे क्रोशिया घुसाएंगे इस तरह, इस स्टिच में ऐसे क्रोशिया घुसाएंगे और इसके बीच से ये इस तरह से कुछ कुछ फ्रंट पोस्ट जैसे बनता है उस तरह से ऐसे ये ऐसे लूप निकाल लेंगे और इसे एक चेन बना के हम पक्का कर देंगे। ये ऐसे पक्का कर देंगे। अब ये निकल ना जाए इसलिए ये वाला मार्कर फ्री हो गया, तो हम इस मार्कर को यहाँ पे सिलाई की जगह लगा लेंगे, ये यहाँ पे लगा लेंगे। ये हमने एक चेन बना ली, ये अब ये देखिए आपको क्लियर होगा, ये यहाँ पे इस वाली स्टिच में ये ऐसे घुसाएंगे और इधर से ये ऐसे आगे से ही ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ हमने बनाया, इसमें से ऐसे घुसाया और इसमें से ये चीज़ जो है ये जो ये है ये लाइन, यहाँ पे हमें ये बाउंड्री सी बॉर्डर सा बनाना है। ये ऐसे धागा लिया और एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इस तरह से ये 25 सिंगल क्रोशिया स्टिच के बीच में से घुसानी। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा ये यहाँ क्रोशिया घुसाई, इधर से ऐसे आगे से निकाला और यहाँ से लूप लिया और सिंगल क्रोशिया बनाया इस तरह से। ये यहाँ पे क्रोश हुक घुसाया और इसे दूसरे वाले में से आगे से निकाला, ये इस तरह से। फिर इसी जहाँ से यहाँ घुसाया हुक को, हुक यहाँ पे घुसाया और इस जगह से ये ऐसे लिया, ये फिर यहाँ देखिए इस जगह से दूसरे में लिया, ये यहाँ और नेक्स्ट वाले में ये ऐसे। इस तरह से हम यहाँ जहाँ से हमने ये 12 इधर लिए थे, इधर का ये पूरा लेते हुए यहाँ तक इस जगह से इतना हम 12 इधर एक बीच वाली 24 में इसी तरह से हम बनाएंगे। 24 स्टिचेस हमारी सिंगल क्रोशिया की बनेंगी कुछ कुछ फ्रंट पोस्ट की तरफ। ये यहाँ देखिए घुसाया, यहाँ लिया और इसमें मुझे क्रोशिया से ये रेशे वाले उन बहुत परेशान करते हैं, ये ऐसे लिया, ये ऐसे एक बार और देख लीजिए आप, ये इस जगह से ऐसे देखिए, आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये यहाँ हुक को घुसाया और इसमें से ऐसे लिया आगे से, ये आपके ऊपर आगे ऐसे है, फिर यहाँ धागे से ऐसे लिया और ये दो हो गए, फिर ऐसे लेके दो का एक किया, ये देखिए ये ऐसे जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये चीज़ देखिए इस तरह से ये चीज़ बनेगी कवर सा जिसमें पैर ऐसे डाल सकेंगे, ये वाली चीज़ बनेगी। तो यहाँ से शुरू करके ये बनाते हुए हम 25 मतलब स्टिचेस बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी 25 फ्रंट पोस्ट तरह की सिंगल क्रोशिया में बन गई। ये हमेशा आपको कहीं भी डाउट हो तो आप एक बार चेक जरूर कर लें कि आपकी 25 स्टिचेज हैं और ये दोनों पोर्शन ऐसे बराबर हैं। अब हमें फिर यहीं से टर्न होके एक राउंड हमारा ये हो गया और दो राउंड हमें और सिंगल क्रोशिया के बनाते हैं। यहाँ पे हम टर्न हो जाएंगे और 25 ही बनेंगे, काउंट आप करते जाइएगा कि 25 स्टिचेज ही आपकी हों। ये देखिए इन स्टिचेज के बीच से सिंगल क्रोशिया ही बनानी है, ये ऐसे इसके अंदर से घुसाया, एक ये देखिए दो लूप आपके हुक पे दिख रहे होंगे, ये एक और एक ये दो ये तीन, हर स्टिच में एक एक बनाते हुए यहाँ से पूरा यहाँ तक
बनाएंगे और फिर यहीं से टर्न होके एक राउंड, मतलब टोटल ये फर्स्ट राउंड को लेके दो राउंड हमें और बनाने हैं, टोटल थ्री राउंड हमारे हो जाएंगे सिंगल क्रोशिया के। ये इस तरह देखिए, ये एक ये ऐसे हर स्टिच के अंदर से ऐसे ये ऐसे घुसाए, ये दो हूँ ये इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे हो जाएगा एक रो ये, फिर एक ये, टोटल ये तीन रो जाएंगे, एक इस फाउंडेशन वाली जो पहली वाली थी और दो सिंगल क्रोशे की, ये इस तरह से ये हमें तीन रो बना लिया। ये देखिए हमारे ये तीन राउंड सिंगल क्रोशे के 25 स्टिच के पूरे हो गए। अब यहाँ पे हमारे दो चेन लेंगे, वन और ये टू, और यहाँ पे ये पहली वाली चेन में ये एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर ये एक चेन छोड़ के एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन छोड़नी है, ये नेक्स्ट वाली हमें छोड़नी है और उसके बाद वाली हमें ये डबल क्रोशिया। ये इसमें मैंने बनाया, ये छोड़ देंगे इस वाली में ये डबल क्रोशिया, फिर ये छोड़ देंगे इसके वाली में डबल क्रोशिया, ये छोड़ेंगे, एक छोड़ना है एक चेन के अंदर से ये डबल क्रोशिया बनानी है, ये छोड़ेंगे ये इस तरह से, फिर ये छोड़ेंगे और इसमें डबल क्रोशिया, ये एक स्किप करना है, दूसरी में नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया, एक स्किप नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, एक स्किप करेंगे उसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, एक स्किप करेंगे इसके नेक्स्ट में ये डबल क्रोशिया, फिर ये स्किप करेंगे और सबसे किनारे वाली में ये डबल क्रोशिया। फिर जैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में दो चेन बनाई थी, फिर यहाँ भी दो चेन बना के इधर हम पलट लेंगे। अभी देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा ये कवर सा बन रहा है। इसी तरह से एक चेन में एक डबल क्रोशिया, एक छोड़ना है एक डबल क्रोशिया, इस तरह के तीन राउंड बनेंगे, एक स्किप करना है, दो चेन लेके पलटेंगे और पहली वाली में ये हमने ये इसी में चेन के स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बना ली जैसे पहला राउंड बनाया था हमने, उसी तरह से तीन दो राउंड और बनाने, फिर ये वाली छोड़ के नेक्स्ट में, फिर एक छोड़नी है अब इसमें बनाई, ये छोड़ देंगे और इसमें बनाएंगे, इस तरह से हम ये पूरा बना लेंगे, फिर यहाँ पे दो चेन लेंगे, फिर टर्न होंगे और फिर एक छोड़ेंगे एक में बनाएंगे एक छोड़ेंगे, इस तरह से तीन रो हम इसकी कंप्लीट कर लेंगे डबल क्रोशिए की। ये देखिए तीन राउंड हमने एक चेन छोड़ के एक डबल क्रोशिया, फिर एक स्किप करके एक डबल क्रोशिया, इस तरह से करके हम यहाँ आ गए, फिर ये तीन राउंड हमारे कंप्लीट हो गए, वन टू एंड थ्री। फिर यहाँ पे हम दो चेन लेंगे, ये दो, अब हम ये वाली चीज़ ये बीच वाला फ्लैप है ये बनाएंगे, इसके लिए दो चेन लेके हम पलट गए और ये एक छोड़ दिया, दो चेन लेके पलटे, ये वाला छोड़ के इसके नेक्स्ट में हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाई, फिर बीच में एक चेन और एक छोड़ेंगे और इसके बगल वाले में
इसमें हमने बनाई थी, ये छोड़ेंगे और इसके नेक्स्ट वाले में एक ये इस तरह से, ये इस, फिर हम दो चेन लेंगे, दो, फिर पलटेंगे, सिर्फ ये सेंटर वाला बनेगा। इस तरह से हमारा दो चेन लिया, अब ये छोड़ेंगे, ये हमने बनाया, एक चेन लिया और ये देखिए, ये जो दो चेन ली थी उसके बीच से ये ऐसे, ये दो वी स्टिचेस बन गई, एक ये और एक ये। इसी तरह से हमें चार बनानी है, फिर वन टू पलट गए इधर, ये वाली ये छोड़ देंगे, इस वाली में एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, फिर ये देखिए यहाँ पे ये जो है स्पेस, ये वाला जो स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया। अब हमारे कितने हो गए अभी, वन टू थ्री, वन टू, फिर यहाँ पे दो चेन लेंगे, वन टू, टर्न करेंगे ये छोड़ के, नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन और फिर इस जगह पे एक डबल क्रोशिया। ये हमें फोर टाइम्स बनाने हैं, तो अभी कितने बने हमारे, वन वन टू थ्री फोर, ये हमारा फोर बन गया। एक दो, आप ऐसे देख लीजिए, वन टू थ्री एंड ये फोर, ये हमारा ये बीच वाला पोर्शन है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये ऐसे करके ऊन को हम काट देंगे। ये हमारा बीच का और ये आगे का पोर्शन, फ्रंट पोर्शन तैयार हो गया। अब हमें ये हील पोर्शन बनाना है। हील पोर्शन बनाने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस जगह से, यहाँ की फर्स्ट स्टिच से, जैसे इसका पहले बनाया था फ्रंट पोस्ट की तरह, उसी तरह से ये देखिए, ये दिख रहा है, ये यहाँ पे हुक को घुसाएंगे और ये धागे को लेंगे आगे से, ये इस जगह जहाँ से ये फ्रंट वाला शुरू किया था उसके जस्ट बगल वाले से ये क्रोशिया घुसाएंगे और ये धागे को लेंगे। और जैसे हम पहले यहाँ पे जो हमने फर्स्ट राउंड बनाया था स्टिच के बीच से घुसा के, उसी तरह से हमें यहाँ भी बनाना है। ये लेके एक चेन बना लेंगे तो ये हमारा धागा पक्का हो जाएगा। अब आप देखिए ये इसके अंदर ऐसे घुसाया और यहाँ लिया, ये सिंगल क्रोशिया बने। आप चाहें तो ये आपको अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो आप इस वाले धागे को जहाँ से हमने शुरू किया था इसको पीछे कर दें। फिर ये यहाँ ये जो क्रू हुक है जहाँ पे हमने पहली वाली बनाई थी इसमें क्रोशिया घुसाया और ये ऐसे, ये सिंगल क्रोशिया। अब आपको ध्यान आ गया होगा हमने ये फ्रंट पोर्शन में भी ऐसे बनाया था, ये यहाँ हुक घुसाया और ये ऐसे लिया और ये सिंगल क्रोशिया, ये यहाँ घुसाया, ये देखिए, और इधर आगे से ऐसे निकाला और ये सिंगल क्रोशिया। एक बार आप और देख लें, यहाँ फिर आगे से ये ऐसे, ये इस ये पोजीशन आएगी और फिर ये ऐसे, इस तरह से ये बाउंड्री हम यहाँ से शुरू करके और ये पूरा यहाँ तक बनाएंगे। ये इस तरह से एक राउंड बन जाएगा और फिर उसी पे सिंगल क्रोशिए का तीन राउंड हम और बनाएंगे। पहले सबसे पहले तो हम यही वाला एक राउंड यहाँ से शुरू करके और जहाँ से ये फ्रंट पोर्शन शुरू किया था यहाँ तक हम बनाएंगे। और जैसा आपने आप समझ गए होंगे, इसके अंदर से घुसाया, ये आगे से ऐसे लिया और ये ऐसे और ये दो का एक, ये इस तरह से। अब आप इसे पूरा कंप्लीट करें।
ये देखिए हमारा ये यहाँ से शुरू करके इस वाले जहाँ से फ्रंट शुरू किया था, ये पूरा ये हील पोर्शन खुला वाला हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हमें ये बैक, जो ये बैक में सैंडल का है ये जाली वाला पोर्शन, ये हमें बनाना है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया जो हमने लाइक फ्रंट पोस्ट की तरह बनाया था स्टिच के अंदर से घुसा के। अब यहाँ पे हम दो चेन लेंगे, 1 एंड 2। अब यहाँ पे दो चेन लेके एक चेन हम छोड़ेंगे, ये जैसे यहाँ है ये हम छोड़ के इसके नेक्स्ट वाली में एक स्किप करना है, एक में डबल क्रोशिया बनाना है और फिर बीच में एक चेन, फिर एक चेन लिया, फिर एक छोड़ा, एक में बनाया, एक चेन एक छोड़ेंगे, एक नेक्स्ट में बनाएंगे, एक चेन एक बीच में चेन लेने से ये बीच में जाली सी बन जाएगी। फिर एक छोड़ेंगे, एक में बनाएंगे और पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से इसके दो राउंड, इस जाली वाले राउंड के दो राउंड बनेंगे, दो राउंड हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें ये दो एक चेन बीच में लेनी थी, एक स्किप करना था और ये बनाना था। ये चीज़ ध्यान रखनी कि यहाँ पे ये इस तरह का शेप आएगा जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, क्योंकि एक छोड़ेंगे तो एक एक स्टिच स्किप करेंगे तो ये वाला शेप इस तरह का तिरछा सा आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ये सैंडल की स्ट्रेप है ये लेफ़्ट और राइट दोनों, जैसे देखिए इधर से एक एक पैर की स्ट्रेप तो ऐसे बनेगी कि जब आपकी तीन रो कंप्लीट हो जाएंगी, जब आपकी तीनों रो कंप्लीट हो जाएंगी तो वहाँ पे 22 चेन लेंगे। एक बीच में एक चेन ले रहे थे और ये वाला हम इस तरह से ये ऐसे बना रहे थे, इस फिर हम यहाँ पे एक चेन लेंगे और ये इसके ऊपर बनाएंगे। मैंने इस पैर की जो सैंडल की स्ट्रेप बनाई है इसको मैं बता रही हूँ कि एक दोनों पैरों में अलग तरह से, एक में 7 में बनेगी और उसके अपोजिट पैर की अलग से चेन बनानी पड़ेगी। तो ये अगर हम अपो जैसे अगर हमें ये इस वाल जैसा हमने मैंने इस वाले पैर की सैंडल की ये स्ट्रेप बनाई है, उसके लिए मुझे क्या करना है कि जब ये तीन राउंड पूरे हो जाएंगे, ये पीछे बैक पोर्शन के जब ये तीन जालियों वाला राउंड पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे 22 चेन लेके और फिर उसमें भी इसी तरह से बनाना है। लेकिन ये वाला राउंड मैंने बना लिया है तो आपको दूसरे में कैसे बनाना है ये आपको देखना है। अब यहाँ पे हम इसको दो राउंड हमने बना लिया है, देखिए 1 और 2, अब दो राउंड बना के हम इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे और इसमें हम फिर अलग से 22 चेन बनाएंगे। और अगर इस पैर की जो बनानी थी तो ये हम ये तीनों राउंड कंप्लीट करके लास्ट वाली चेन में 22 चेन बना के फिर इसकी स्ट्रेप इसी तरह से एक चेन छोड़ेंगे, एक बनाएंगे, इसी तरह से हम पूरे राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने पीछे हमें तीन रो बनाने हैं, आप इसमें भी देख रहे हैं 1 2 3, तो ये 3 नहीं बनाने हैं, हम 2 बना के उसके बाद यहीं पे हम ऊन को काट देंगे और 22 चेन हम अलग से बनाएंगे। 22 चेन बना के नॉर्मल स्लिप नॉट लगाएंगे और 22 चेन बना के और इसको इसी में ज्वाइन करेंगे। और अगर इस पैर वाला था तो इसमें तीनों राउंड
ये 1 2 3 तीनों बना के लास्ट में 22 चेन बना के और एक स्किप करेंगे, एक में बीच में एक चेन लेते हुए ये इसी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ये 22 बना के और ये इस वाले बिल्कुल जो लास्ट वाला है ये इस जगह पे डबल क्रोशिया ही बना के यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये इस वाली जगह जो लास्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पे ये इस तरह से लेके इसकी जो टॉप चेन है ये ऐसे लिया और ये हमने लास्ट एक डीसी बना दिया। ये डबल क्रोशिया से बनाया तो ये चेन हमारी जुड़ गई। अब हम इसे यहाँ से फिर इसे कंटिन्यू कर, अगर हमें इस पैर का बनाना होता तो हमें ये चेन अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो हमारा लास्ट थर्ड राउंड होता उसी जगह हम 22 चेन बनाते। ये लेफ्ट और राइट दोनों में अलग अलग से बनानी है। फिर यहाँ पे हम एक चेन लेंगे और जैसे बना रहे थे पहले ये एक छोड़ा और एक स्किप करेंगे, जैसे ये बना लिया ये स्किप करेंगे, यहाँ इसके ऊपर ये इसी तरह से हम ये इस तरह से हम ये पूरा यहाँ तक ले आएंगे। फिर जब हम वापस लौटेंगे तो हम ये इसी इसमें भी इसी तरह से एक छोड़ के एक में एक छोड़ के एक तरह इसी तरह से ये जाली वाला बना लेंगे। और अगर इस पैर में बनाते तो ये हमारा जब थर्ड राउंड पूरा हो जाता तो हम थर्ड राउंड के जब यहाँ पे थर्ड राउंड पूरा होता तो लास्ट में हम 22 चेन बनाते और एक चेन छोड़ के मतलब 22 बनाते तो ये हमारी 11 ट्रेबल्स बन जाते। देखिए ये 22 चेन बनाते तो यहाँ पर एक छोड़ेंगे एक चेन एक में बनाएंगे तो कितने बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये 11 हमारे बन जाएंगे क्योंकि इसमें भी जैसे ये जाली बनी है उसी तरह ये स्ट्रिप में भी ये जाली बननी है। ये देखिए इस तरह से ये जाली बननी है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे चेन जोड़ी थी और हम यहाँ ये लास्ट में आ गए। लास्ट में आपको मैंने जैसा कि पहले बताया था ये इस तरह से तिरछा सा आएगा। अब यहाँ हर पलटने से पहले हमें दो चेन लेनी होती है, दो चेन लेके हम यहाँ टर्न कर लेंगे और इसके ऊपर जैसे पहले बना रहे थे उसी तरह एक चेन ये इसमें डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया, ये देखिए ये वाला ये इस तरह से दिख रहा है और इधर भी ये इधर भी और इस तरह से एक चेन एक डबल क्रोशिया ऐसे करते हुए हम पूरा यहाँ आएंगे। और ये जो 22 चेन बनाई थी इसमें भी एक स्टिच छोड़ के एक में डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लेते जाएंगे, एक स्किप करेंगे, एक में डबल क्रोशिया, एक चेन, इस तरह से करके यही वाली जाली जो है हम ये पूरी लास्ट कॉर्नर तक हम ये सेम यही चीज़ पूरे इस 22 चेन में भी रिपीट करेंगे। ये देखिए अब हम ये बनाते हुए ये हमने इसी तरह से ये जो 22 चेन बनाई थी इस पर भी हमने एक बीच में चेन छोड़ा, ऊपर एक चेन लिया, एक छोड़ा ऊपर एक चेन, इस तरह से करते हुए यही जाली वाली डिज़ाइन हमने इसमें भी डाल ली। अभी एक दो बची हैं हम चलिए देख लेते हैं।
ऐसे इसमें बनाया है, ये बाद वाली हमने छोड़ दी और इसके नेक्स्ट में, तो 22 चेन थी, एक एक छोड़ के बनाई तो ये 11 बन गई। ये एक चेन लिया, फिर ये एक स्किप किया और ये लास्ट ये बन गया। ये लास्ट ये इस तरह से हो गए। अब हम यहीं से टर्न हो जाएंगे और सारे यहाँ देखिए, ये इस जगह से ऐसे यहाँ से पूरा ये पोर्शन, ये पूरा ये ऊपर वाला फ्रंट वाला पोर्शन यहाँ तक ऐसे बनाते हुए इस जगह तक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब ओवरऑल पूरा ये यहाँ से ये पूरा ये ऐसे करते हुए सारे पूरे पे हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। सिंगल क्रोशिया देखिए हर सारी स्टिचेस के अंदर, बिना फर्स्ट में तो हम ऐसे बना लेंगे, ये ऐसे एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये जो डंडी है ट्रेबल है इसके अंदर से, इससे थोड़ा स्मूथ आ जाएगा और एक बराबर सा फिनिश दिखेगा। ये देखो ये इसमें मैंने देखिए ये सिंगल क्रोशिया, ये देखिए ये पूरा ये चारों इस पे बना रखी। ये धागे नहीं लेने, ये इसके ऊपर इसके अंदर से हुक को इंसर्ट किया और ये और ये जो गैप है इसमें भी जो जाली थी एक चेन की उसमें भी सिंगल क्रोशिया, फिर ये नेक्स्ट ट्रेबल के ऊपर ये और फिर ये इसके ऊपर, रेशे वाली ऊन मुझे क्रोशिए के लिए कभी भी सही नहीं लगती, इसमें बार बार हुक में ये इसके रेशे आते हैं। ये इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया, ये धागा इसमें नहीं लपेटना है, ऐसे लिया और ये ऐसे। अब आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इस स्ट्रिप पे ये पूरा यहाँ इसका बैक ये फिर हम यहाँ पे और ये पूरा ये फ्रंट ऊपर वाली सामने वाली ये जो फ्रंट की फ्लैप है ये इधर यहाँ और यहाँ, फिर इस साइड में स्ट्रिप पे करते हुए यहाँ जहाँ से हमने शुरू किया था इस जगह से हम वापस यहीं आ जाएंगे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए ये हमारा हमने यहाँ से शुरू किया था ये स्ट्रिप के ऊपर से ये पूरा चारों तरफ सिंगल क्रोशिया हमारी ये बन गए। अब ये हमारा सोल वाला पोर्शन है, इसमें हमें ये जैसे हमने इसमें जोड़ा था ये नियॉन कलर का और ये अंदर येलो कलर है, इसी तरह से इसमें मैंने वाइट जोड़ा है। अब इसमें हमें क्या देखना है, देख लेना है कि उल्टा रॉन्ग साइड कौन सी है, तो ये दोनों का रॉन्ग साइड एक तरफ होगा और हील का पोर्शन कौन सा है और पंजे का पोर्शन कौन सा है। जहाँ हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी ये हील वाला पोर्शन है, वैसे भी देख के पता चल जाएगा कि इधर का थोड़ा चौड़ा होता है और इधर का थोड़ा जरा डिफरेंस पता चल जाता है। तो ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन पकड़ लेंगे ऐसे, ये हील पोर्शन दोनों हम शुरू में भी जोड़ सकते हैं ये फ्रंट ऊपर का बनाने से पहले, लेकिन थोड़ा भारी हो जाता है तो साथ साथ लेके चलने में थोड़ी अनकंफर्टेबल सा फील होता है। ये देखिए दोनों आपके हमेशा जो दूसरे कलर की हील बनाएं आप ध्यान रखें कि दोनों सेम नंबर के हुक से बनाएं और सेम थिकनेस की उनसे बनाएं, नहीं तो थोड़ी सी बड़े छोटा हो जाता है। अब इसे बिल्कुल सेंटर पॉइंट, ये देखिए ये इसका और इसका सेंटर पॉइंट ऐसे देख लें और यहाँ ये इस जगह से जहाँ से हमने ये बनाया था ये शुरू किया था इस जगह से ये सारे धागे हम इसे के अंदर कर देंगे तो ये फिनिश्ड भी दिखेंगे। ये जितने भी हैं हम जॉइंट्स ये उसके अंदर कर देंगे और यहाँ से वाइट ऊन लगा के हम इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ना शुरू करेंगे। ये देखिए दोनों को बराबर बराबर हमने पकड़ लिया इस तरह से। अब यहाँ जहाँ से ये फ्रंट पोर्शन बनाना शुरू किया था
ये आपको दिख रहा है, ये इसकी एक स्टिच, ये देखिए ये दो धागे हैं, इसकी एक स्टिच और सेम उसी सामने दो दूसरे वाइट वाले सोल की दो स्टिच, ये इस तरह से। और हमेशा ध्यान रखें ये वाली दोनों आमने सामने की लें, नहीं तो सेटिंग में थोड़ा सा ये देखिए ऊंचा नीचा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये ज्वाइन करना है, ये वाइट कलर लिया और इसे हमने ज्वाइन कर लिया, और एक वाइट वाली एक ब्लू आसमानी वाली ये, और जो स्टार्टिंग में एक चेन ले लेंगे जिससे ये फिक्स हो जाएगा। अब सेम ये देखिए एक इसका लिया और सेम उसी के सामने वाला ये दूसरा वाइट वाले से लिया और सिंगल क्रोशिया से हम इसे ये ऐसे जोड़ते जाएंगे, और इस वाले जो ये धागा है इसे भी हम सारा अंदर ही कर देंगे तो फिनिश्ड आ जाएगा। ये देखिए जैसे ये जोड़ा हुआ है, ये जोड़ा है, ये इस तरह से आएगा। पूरी सोल हमें इसी तरह से जोड़नी है, ये हाईलाइट हो जाएगा थोड़ा और इसका लुक और इन्हेंस हो जाएगा। ये देखिए इसके सामने वाली से ये इन दोनों को एक साथ ये किया और दो का एक कर दिया, ये इसके सामने वाला ये दो का एक, ये लिया और इसके सामने वाला ये दो का एक, ये ब्लू। और ध्यान रखेंगे बिल्कुल आमने सामने का ही हो, ये इधर का है तो वाइट वाला भी बिल्कुल इसके फ्रंट वाला ही स्टिच होनी चाहिए, नहीं तो ये ऊंचा नीचा हो जाएगा। इस तरह से इसमें से हुक में से दोनों में से निकाला और ये दो का एक किया। ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा, इसी तरह से ये दोनों पकड़ के दोनों इधर से पूरा बराबर से, और ये जो सारे धागे हम इसके अंदर कर देंगे, ये वाइट वाले भी और ये वाले भी, और इधर पूरा यहाँ से होते हुए हम फिर वापस यहाँ जाएंगे और ऊन काट देंगे, और फिर वाइट कलर के धागे से हम इन सारे पे जैसे देखिए ये आउटलाइन हमने बनाया है, ये यहाँ से ये दूसरे वाइट वाले कलर से ये सारे पे ये ऐसे सिंगल क्रोशिए से ये पूरा हम कर देंगे। और बस इस जगह पे जब करेंगे यहाँ पे जो ये फ्रंट और ये जो फ्रंट और बैक वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे ये हम थोड़ा सा एक दो स्टिचेस छोड़ देंगे जिससे ये ऐसे फ्लेक्सिबल सा रहे ये, और इसी तरह से हम वाइट से पूरा कवर कर देंगे। ये देखिए हमारी ये सोल जुड़ गई इस तरह से, ये हमारी सोल, ये पूरी चेन स्टिच से दिख रही है, ये इधर वाइट हो गया और इधर ये अंदर इससे थोड़ा मोटा भी हो गया, वो जूते वाला लोग सोल थोड़ी मोटी होती है उस तरह से हो गया। अब यहाँ पे जैसे इसमें बना हुआ है इस वाले में ग्रीन कलर नियॉन कलर से, तो अब ये बैक पोर्शन में यहाँ से वाइट कलर से लगाते हुए और सिंगल क्रोशे से पूरा ये पूरा यहाँ इस फ्लैप के किनारे ये पूरा गुलाई में यहाँ से होते हुए और पूरा ये स्पेस पे सब पे वाइट कलर से आउटलाइन ही कर देंगे। सिर्फ इस जगह पे जो ये वाला पोर्शन है दोनों का, ये एक दो स्टिचेज जैसे यहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ इस तरह से करते हुए ये पूरा जूता वाइट कलर से कवर कर लेंगे। अब इसको जो ये हमारा फ्लैप बन गया, इसमें दो तीन चीज़ें बस ध्यान देनी है, राइट और लेफ्ट फ्लैप बनाना मैंने बताया आपको। एक साइड में जब आपके ये पीछे बैक पोर्शन के दो राउंड पूरे हो जाएंगे तो तीसरे में बंद कर देना है दो राउंड पूरे होने पे, और 20 चेन बना के इसे लास्ट वाले में जोड़ के तब थर्ड वाला राउंड पूरा करना है, और एक में थर्ड राउंड पूरा हो जाए तब वहीं 22 चेन बना के और ये फ्लैप वाला पोर्शन ये जाली वाला पोर्शन बनाना है। अब इसको फ्लैप को टक कहाँ करना है, आप चाहें तो आप इसको इस तरह से टक कर सकते हैं, और चाहें तो ये जो जाली है ये देखिए ये जो जाली है इसके अंदर से ऐसे निकाल के ये ऐसे निकाला और ये इसके नेक्स्ट वाले से
तरह से निकालेंगे, ये ऐसे ऐसे एडजस्ट कर देंगे, यहाँ पे ऐसे टक्कर बटन लगा के टक करेंगे, और इस पोर्शन पे जो थोड़ा सा ये दिख रहा है, यहाँ पे आप कोई क्रोशिए से बना हुआ फ्लावर या वो टक कर सकते हैं, या अलग से कोई बटन या शोपीस, कोई छोटी सी जैसे वो टेडी या कोई भी कार्टून कैरेक्टर का जो बटन्स आते हैं वो आप ऐसे टक कर सकते हैं। और यहाँ पे बटन, ये यहाँ बटन और ये इसमें ऐसे, इस तरह से आपका ये सैंडल बनके तैयार हो गया। ये बहुत इजी है, बस इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये फ्रंट और बैक पोर्शन इक्वल इक्वल लेना है, सोल दो बनाने हैं, सोल इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और बना के FB पेज पे विजिट उस पर आएँ, और जो भी बहुत ही ईजी है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सजेशन और सपोर्ट देते रहें। Thank you. Enjoy knitting.